अगर आपको भी जानना है कि आपकी आईडी से अब तक कितने सिम खरीदे जा चुके हैं तो फैंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को कट मत करना फैंस, मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बताऊंगा कि आपके आधार या आईडी से कितने सिम अब तक खरीदे जा चुके हैं या कितने सिम फर्जी चल रहे हैं। फैंस जो फर्जी सिम चल रहे हैं आप उनको चेक करके उनको आप कंपनी द्वारा ब्लॉक करा सकते हैं या आप उन पर एक्शन भी ले सकते हैं। फैंस अगर भविष्य में कोई दुर्घटना अगर हो जाती है आपके नंबर से तो फैंस आपको जिसके नंबर से आईडी है उसको परेशानी हो सकती है। फैंस इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी आईडी से कितने सिम फर्जी चल रहे हैं वो चेक करना होगा और उनको ब्लॉक कराना होगा फैंस, बंद कराना होगा फैंस। हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। फैंस आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा फैंस। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद फैंस इस तरीके का इंटरफेस होगा, यहाँ पर आपको टाइप करना होगा, यहाँ पर आपको tufcoop.digitelecom.government.in, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है फैंस, इस पर आप ये आपको टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद इसको जो है सर्च कर देना होगा फैंस, थोड़ा प्रोसेसिंग चलेगा। तो फैंस उसके बाद आप देख सकते हैं ये इस तरीके का इंटरफेस होगा tufcoop, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है इस वेबसाइट का इस तरीके का इंटरफेस है। अब आपको यहाँ से क्या करना होगा फैंस, यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना होगा। मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर नंबर डालने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर आपको क्लिक करना होगा। जब यहाँ पर आप ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ओटीपी आएगा, ये मेरा ओटीपी यहाँ पर आ चुका है, मैंने इसको कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वैलिडेट जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो यह आप देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस होगा, यहाँ पर एक पेज ओपन हो चुका है, यहाँ पर लिस्ट ऑफ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ऑन योर आईडीएस। तो फ्रेंड्स इस तरीके का आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस होगा इसका, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे यहाँ पर जो है बहुत सारी सिम जो है चल रही। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो है बहुत सारे फ़ोन नंबर हैं। अब ये शायद मेरे को भी मालूम नहीं है कि मेरे मैंने कौन कौन से सिम से नंबर ले रखे हैं, कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स जब आप यहाँ पर आपको चेक करना है ये, अगर ये आपका नंबर आपको लग रहा है कि ये मेरा नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको टिक करना होगा और टिक करने के बाद यहाँ पर दिस इज नॉट माई पर क्लिक करना होगा फैंस। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ जब इसे स्क्रॉल करेंगे स्क्रीन को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट जो लिखा हुआ है, रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना होगा। ये यहाँ पर बता रहा है नाम रिक्वायर्ड, यहाँ पर आपको टिक करने के बाद दिस इज नॉट माई नंबर यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना होगा। तो रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम रिक्वायर्ड बता रहा है ये। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है इसको टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद दिस इज नॉट माई नंबर, मैं यहाँ पर जो है रिपोर्ट पर क्लिक करूँगा। तो रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट हमारी सबमिट हो चुकी है और ये टिकट आईडी जो है यहाँ पर मिल चुकी है, हमारा रेफरेंस नंबर भी आ चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स